चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राजतिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्या वासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदर पूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें आश्रम ले चले। समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अक्षत राम राजा अवध मरियमाग सबको। स्नेहमय पुरजन बानी निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी, एहि विधि नित्य करम करि पुरजन राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। नीच मध्यम नर नारी लहि दरसु निज निज अनुहार, सावधान सब ही सन मानही सकल सराहत कृपा निधान। लरिकाई ते रघुबर बानी पालत नीति प्रीति पहिचानी, शील सकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल सुभाव। कहत राम गुण गन अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे जिनहि राम जानत करि मोरे। प्रेम मगन देहि समय सब आवत मिथिले सहित सभा संभ्रम उठे रवि कुल कमल दिने। भाई सचिव गुर पुरजन साथा आगे गवनु की न रघुनाथा, गिरिवरु देख जनक पति जब ही करि प्रणाम रथ त्यागे तब ही। राम दरस लालसा उछाहु पथ श्रम लेसु कले सुनकाहु, मन तह जह रघुबर बे देही बिन
मन तन दुख सुख सुधि के ही आवत जनकु चले भांति सहित समाज प्रेम मति माति आए निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे लगे जनक मुनि जन पद बंदन ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन भाईन सहित राम मिली राजहि चले लवाई समेत समाजहि आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाठ सेन मन करुणा सरित लिए जा ज्ञान विराग करारे वचन ससोक मिलत नदनारे सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरुवर कर भंगा विषम विषाद तोरावती धारा भय भ्रम भवर अबरत अपारा केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा सकही न खे ऐक नहीं आवा बनचर कोल किरात बिचारे थके बिलो की पथि कहिया हारे आश्रम उदधि मिली जब जाय मन हूँ उठे हम बुधि अकुलाय शोक बिकल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज लाजा भूप रूप गुण शील सराही रोवही शोक सिंधु अवगाही